अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ आसमान टूर्स। बारह मरला के दो जोड़ा भाई हैं और आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें कौन से दिखाऊं। मैं आपको ये वाले दिखा देता हूँ। ये ज़रा सा है भी हाइटेड बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी सेक्टर H में ये हमारे पास हाउस लोकेटेड है और खूबसूरत एलिवेशन मैं आपको ज़रा से दिखा देता हूँ। डार्क ग्रे थीम में है हमारे पास ये, और जिसके साथ ही खूबसूरत सा बाहर एक लॉन भी है, और इस तरह मैं आपको इंशाल्लाह अंदर भी लेके चलता हूँ। खूबसूरत सा घर है हमारे पास, एलिवेशन इसकी बहुत टॉप क्लास की है। जैसे ही एंटर होते हैं कारपोर्ट साइड आ जाती है, जिसमें खूबसूरत दो आ जाती हैं, मुश्किल से एक आ जाती है आसानी से। ये हमारे पास आपसे आर्टिफिशियल भी लग रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये हमारे पास अंदर भी लॉन का एरिया है, जिसमें ये हमारे पास खूबसूरत एलिवेशन के साथ ये हमारे पास हाउस फॉर सेल है। इसमें आपको मैं ज़रा मज़ीद आगे दिखाता हूँ। ये बैक साइड है इसकी जी, ये सात वाले भी फॉर सेल है, ठीक है। दोनों के साइज़ भी सेम है और प्राइस भी सेम है। ये भी बारह मरला, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत डिज़ाइन में हमारे पास ये घर तैयार है, और इसके साथ साथ अंदर जाएंगे ज़रा सा। ये डोर आप पहले देख लें, खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया, ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे ही एंटर होते हैं, हम घर के एंटर होते हैं तो राइट पे हमारे पास ये एक वॉशरूम आ जाता है। फिर जैसे ही हम आगे जाते हैं तो ये इस घर का जो डिज़ाइन है वो बहुत चेंज है। ये हमारे पास ड्राइंग रूम आ जाता है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन चलें अच्छा है, लेकिन व्यू इसकी बहुत प्यारी है, ठीक है। व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से। ये आप देख लें, सीलिंग का कोई उस तरह का हिसाब नहीं है, डिसेंट सा घर बनाया गया है, ज़्यादा उसको ओवर नहीं किया गया, ठीक है जी। ये देख लें आप, बाहर आते हैं लॉबी में आ जाते हैं, लॉबी में आते साथ लेफ्ट साइड, ये भी आप इसको ड्राइंग रूम कह लें या गेस्ट रूम कह लें, डाइन इन कह लें। फिर इस तरह हमारे पास एक काउंटर टाइप बना हुआ है, इसका लॉजिक मुझे नहीं समझ आया। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें किचन देखने में बहुत ज़रा सा अजीब सा मुझे लग रहा है। ये देखें किचन यहाँ पे अलग है, और ये फिर अलग बाहर उसकी एरिया है, जिसमें ये हमारे पास माइक्रोवेव ओवन, बेकिंग ओवन सब कुछ इंस्टॉल्ड है। कैबिनेट्स बहुत खूबसूरत हैं, जिसमें ये ओपन काउंटर टाइप है। फिर इस तरफ आए तो इस तरफ ये डाइनिंग, आप इसको कह लें डाइनिंग हॉल है हमारा, जिसके बैक पर ये आप देख लें सामने ये फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है, वो सामने हमारी बड़ी मस्जिद बन रही है, ठीक है, सेक्टर एच के बिल्कुल सामने सेक्टर आई के साथ। ये हमारे पास पहला मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में सिंपल खूबसूरत डिज़ाइन रखा गया है, सिंपल है, ठीक है, डिसेंट सी सीलिंग, कोई उस तरह का खास इसमें हमें कोई और चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी यूज़ हुई है, ठीक है जी। ये हमारे पास उसका वॉशरूम आ गया, क्योंकि वॉशरूम जितना खुला होता है उतना अच्छा होता है। बड़ी बड़ी खूबसूरत कैबिनेट्स, शावर का ये सिस्टम आप देख लीजिए, ठीक है। फिर ये आपका भाई चैनल सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, वापस चलते हैं मज़ीद चीज़ें देखने। अच्छा, यहाँ पे ये बस ज़रा सा चेंज देखने को मिल रहा है, एट्रियम टाइप है यहाँ पे, ऊपर से स्पेस हमें दिख रही है। और ये भी हमारे पास, अच्छा जी, स्टेयर्स के नीचे ऊपर जब हम चलते हैं, खूबसूरत टाइल्स का इस्तेमाल, ऊपर जैसे ही आते हैं खूबसूरत डिज़ाइन हमें ये देखने को मिलता है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर हमें दिख रहा है, जैसे ही ऊपर आते हैं तो यहाँ पे भी सिस्टम ज़रा सा चेंज है। किचन के एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा पता नहीं कहाँ गया। अच्छा जी, किचन सिर्फ नीचे ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही ऊपर आते हैं, ये हमारे पास दो मास्टर बेडरूम बिल्कुल अटैच, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही रूम है, लेकिन ये अलग अलग है। पहले ये वाला दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम जैसे नीचे था, ये फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है हमारा, उस साइड पर मस्जिद है, वो डॉल्फिन चौक है हमारा सामने, खूबसूरत डिज़ाइन है, खूबसूरत टाइल्स लगे हुए। वॉशरूम दिखा देते हैं आपको, ये सेम नीचे जिस तरह था उसी तरह का वॉशरूम। आगे मज़ीद चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम है। वॉशरूम ज़रा सा आपको दिखा देते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी। ये हमारे पास वॉशरूम में सेम वही चीज़ है दोबारा, ये कैबिनेट्स इसके अंदर लगी हुई। फिर हम आगे आते हैं,
अच्छा ये स्टोर आपका हो गया, स्टोर ओपन एरिया डाइनिंग हॉल आप उसको कह लें। ये फिर हमारे पास बाहर बालकनी टाइप आ जाती है और इसमें ये खूबसूरत डिज़ाइन है। बाहर अभी नहीं जा सकता, पानी ज़रा सा खड़ा, मज़ीद चीज़ें दिखाएंगे आपको जी। यहाँ पर ज़रा सा वुड का इस्तेमाल आ रहा है और इसके साथ साथ ये देखें, ये नीचे हमारी मेन एंट्रेंस हैं, हैंगिंग लैंप्स हैं, सामने विंडो, विंडो से उस तरफ बालकनी और बालकनी से इस तरफ ये जो है बेडरूम है ना, इसको ज़रा मैं प्राइम मास्टर बेडरूम करार दूंगा। उसकी वजह ये है, देखें ये मैं आया, राइट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू एंड देन टूवर्ड्स बेडरूम। बेडरूम खास इतना बड़ा नहीं है लेकिन लोकेशन और उसके जो डिज़ाइन है वो बहुत स्पेशल है। फिर इस तरह ये बालकनी आप इसकी देख लें। इसका वॉशरूम बाकी वॉशरूम से ज़रा सा छोटा है लेकिन फीचर्स वही इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है जी, मज़ीद आगे चलते हैं। ये 12 मरला का घर है और दोनों घर बिल्कुल सेम इसी तरह, बस जस्ट एलिवेशन में ज़रा सा डिफरेंस है दोनों के। ये आ गया मैं ऊपर मुंट्री टाइप और यहाँ पे बारिश हुई है तो बाहर पानी खड़ा। तो उम्मीद करूँगा ये घर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हाउसेस फॉर सेल या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट डिज़ाइन आइडिया कंस्ट्रक्शन आइडियाज़ उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलूंगा इस तरह की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।